परसों ही हमने क्योंकि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहता है, तो हमने रिक्वेस्ट ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से की है, भारत सरकार से की है कि काफ़ी छात्र जो है भारत के वो फंसे हुए हैं यूक्रेन, और आप लोग सब लोग जानते हैं खासतौर पे बिहार के ज़्यादा छात्र हैं जो मेडिकल वगैरह जो है वो पढ़ने वहाँ जाते हैं। अभी परसों ही एक वैशाली की बच्ची का वीडियो चला था, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिदुपुर की है, राघोपुर बिदुपुर प्रखंड की, उसकी माँ भी आई थी मेरे से मिलने, और हम लोगों ने बोला कि हम लोग जो है भारत सरकार वगैरह से रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं। काम तो देखिए भारत सरकार और जो दूतावास है वहाँ का एम्बेसी उनको करना है, लेकिन जल्द से जल्द लोग जो आएँ क्योंकि वहाँ जो सिचुएशन है भयावह होते जा रहा है, तो इसको जो भारत के लोग जल्द से जल्द छात्र जो फंसे हैं वो अब चाहे किसी भी माध्यम से आए। अब तो हमने सुना है कि भाई भारत सरकार कह रही है कि हम जो है लाएंगे पोलैंड के रास्ते, पोलैंड के रास्ते लाएंगे या हंगरी के रास्ते लाएंगे, तो उसमें हम लोग नज़र डाले हुए हैं। लेकिन ये सिचुएशन जब आपको पता है कि वॉर की होने जा रही है, तब से ही थोड़ा एक्टिव होकर के इन सब लोगों को वहाँ से, पहले ही जब उसकी स्थिति बन रही थी तो काम करना चाहिए। कौन खर्चे से उन्हें मंगाया जाएगा जो बिहार के लोग वहाँ फंसे हुए हैं? उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों से बातचीत वहाँ पर कर रहे हैं, अधिकारियों लोग बातचीत कर रहे हैं तो करना ही चाहिए था सरकार को, भारत सरकार से, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर से लगातार बात करनी चाहिए। हेलो बीजेपी लगातार लोग छात्र जो हैं विचलित हैं, और एक अच्छी खासी बिहार के छात्रों की संख्या वहाँ है। अब खर्चे पे लाते हैं नहीं लाते हैं वो बात नहीं, वो सुरक्षित आ जाए, हेलो इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सुरक्षित आ जाए, ना कि केवल घोषणा होनी चाहिए कि हम खर्चे पे लाते हैं। जो लोग बच्चे भी वहाँ जो पढ़ने गए हैं मेडिकल के, तो खर्चे की तो प्रॉब्लम है नहीं, वो तो बस निकलना चाहते हैं वहाँ से, तो निकलने का माध्यम मिलना चाहिए।